नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अपराधी ने चौकी इंचार्ज पर चलाई अंधाधुंध गोलियां। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के टापर पुरवा में मुखबिर की सूचना पर पहुंचे पड़ुवा चौकी इंचार्ज अशोक कुमार शातिर अपराधी तौकीर की एक खंडर मकान में छुपे होने की मिली थी खबर। उसे पकड़ने के लिए पड़ुवा चौकी इंचार्ज पर चलाई अंधाधुंध गोलियां, इसमें चौकी इंचार्ज हुए घायल। मौका पाकर भाग निकला शातिर अपराधी तौकीर, जिले बड़े अधिकारी पहुंचे मौके पर। संवाददाता शारिफ अली की रिपोर्ट। बीती शाम थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत टापरपुरवा गांव के पास पड़वा चौकी इंचार्ज अपने हमलाई पुलिस बल के साथ गश्त पे थे कि उन्हें क्षेत्र के एक अभ्यस्त अपराधी तौकीर की गांव के पास एक खंडर में छुपे होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर चौकी प्रभारी हमलाई पुलिस बल के साथ खंडर की तरफ बढ़े। उन्हें आता देख तौकीर वहाँ से भागने लगा। पुलिस के द्वारा तौकीर का पीछा किया गया। तौकीर भागकर समीप के गांव पड़ुवा में घुस गया, जहां पर पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया। पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा भी तौकीर को पकड़ने में सहयोग दिया गया। अपने आप को घेरता देख तौकीर के द्वारा एक ग्रामीण को सिर में बट से चोट मारकर घायल कर दिया और उसके द्वारा ग्रामीणों पर एक फायर किया गया। 12 बोर के तमंचे से किए गए फायर से निकले पैलेट से 3 ग्रामीण और 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर तौकीर मौके से फरार हो गया। सभी चोटिल ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी हालत सामान्य है। प्रकरण में थाना निघासन में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त तौकीर की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी निघासन के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमें क्षेत्र की कॉम्बिंग कर रही है।